पालतू का गोबर साफ करने के लिए साथ में ये टुच्चा। नहीं टकले, ये मेरा वाला पालतू नहीं है। क्या बोल रही? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देगी। मैं तो वही लाया जो तू बोली मेरे को। तूने माशा का दिल तोड़ा, अब वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। देखो देखो उड़ गया। बहन रुक, मैं आ रही हूँ। अरे माशा कहाँ जा रही है? मैं तेरे लिए डिनर बनाऊंगा। माशा टकले ने टकीला मार के टका टक कर डाला। मामू बन गया अभी ज्यादा मत रो, बीपी बढ़ेगा। मेरे पति और भूचाल दोनों गायब हैं। अभी आपके लिए बैल नहीं सांड ला देंगे। मुझे मेरा बैल चाहिए बस। अभी टेंशन मत लो, आपके लिए बकरी का बच्चा ला देंगे। अब क्या करें माशा, अपन भी ये शोक सभा में शामिल हो जाते हैं। चुप। अन्ना को ले जाना तो आसान था, पर साथ में भूचाल को भी लेके गया, वो बहुत जिगर वाला था। मुझे मेरे बैल के बिना नहीं जीना है। यही खड्डा खोदो और मेरी जीती जागती समाधि बना दो। इसकी तो पति और बैल के साल में होंगे। मुझे दो चेहरे देख रहे हैं, जल्दी से शूट करो। दो लड़कियां शूट करो, गन उठाओ और शूट करो। या मैं तुम्हारे पिताजी का शोक मना रही हूँ और तुम सब मोबाइल में लगी हो। ये पबजी गेम है माँ। क्या पबजी बोला? पबजी कोई गेम का नाम है क्या? तुझे क्या लगा बम है? ए बाल को हाथ नहीं लगाने का, ये रेशम के तार है, कोई मामूली बाल नहीं है। आशा कल्टी मारते हैं। हम कैच कर ही लेते, अब बाउंड्री से बाहर गिर गए। जल्दी से हल्दी दूध ला। मुझे उस बुढ़िया की कहानी पे विश्वास कम होने लगा है। खामखा हमने अपनी जान जोखिम में डाली, भला बर्तन में भी कोई चीज डबल कैसे हो सकती है। एक दिन स्कूल की टीचर ने जादुई बर्तन की कहानी सुनाई थी, और महाभारत में भी द्रौपदी के पास जादुई बर्तन था। उस बुड्ढी ने भी यही बात की, मतलब ऐसा जादुई बर्तन हो सकता है। माँ कसम, अगर अपुन को ऐसा बर्तन मिल जाए तो अपुन की तो चांदी हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह का कोई बर्तन है और अपना वो भूचाल सिंह मतलब कि बैल उस पर कुंडली मार कर बैठा है। चल भूचाल को तो संभाल लेंगे, पर बाबू भाई का क्या किया जाए? उसकी दुखती रग ढूंढ के उस पर वार करना पड़ेगा। ये ले। बाबू भाई, आपका चद्दर उठ के सोया नसीब जाग गया। ऑरेंज माँ से पूछ लो आपका काम होगा कि नहीं। हे ऑरेंज माँ, टेंशन देके आप जा रही हैं। डाकू सोमनाथ ने मेरे बड़ों को अगवा कर रखा है, क्या पता अब तक उन्हें मार भी दिया। कुछ ऐसा मंत्र मारिए कि वो हमें मिल जाए। सोमनाथ, सोमनाथ गोवा के मिल्टन होटल में रशियन गोरियों के साथ नैन मटक्का कर रहा है। रिपीट कर। हाँ करेंगे, लेकिन हमारा पुराना हिसाब किताब क्लियर कर देंगी ना। अब एक्टिंग देखिए। सोमनाथ, हम तुम्हारा दूध निकाल देंगे। सोमनाथ नहीं, सोमनाथ बोल। सोमनाथ, 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 जब भी तुम गोवा जाओगे तो हमारे लिए फिरनी लाना है। गोवा में फिरनी नहीं, फेनी मिलती है। हाँ समझ गए, गोवा के होटल में बैठ के हमारा सोमनाथ फिरनी पीना। ये लोग ट्राई क्यों नहीं मारते यार? हा? औरत की आवाज से कोई नहीं डरने वाला माशा। क्या? देख अपुन कैसे वॉइस चेंज करती है। तेरे जाने दुश्मन डाकू सोमनाथ गोवा के होटल में गुलशरे उड़ा रहे ला, जाके सुला दे उसको। सुपर मशा, ये ए कब से बज रहा है फोन, उठाने को नहीं होता। हेलो वीरप्पन राइस मिल। तुम डाकू सोमनाथ को ढूंढ रहे हो ना? वो इस वक्त मदुराई में है। क्या उसका काम तमाम कर दो। अगर तुम सामने होती तो मोतियों की माला पहनाता। आपका नाम क्या है मैडम? हेलो, ए ए डाकू सोमनाथ मदुराई में, जल्दी गाड़ी निकाल। हेलो, ए तेरा जानी दुश्मन डाकू सोमनाथ गोवा के होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा है, जाके सुला डाल। तू कौन है? अभी अभी पता चला कि वो मदुराई में, और तू गोवा बता रहा है।
मदुराई में ही है, गोवा वाले मदुराई में। बहुत खुजली हो रही है तेरे को। रुक अभी आके खुजाता हूँ। अरे यार लोचा हो गया। क्या हुआ भाई? अरे फेंकी हुई खबर थी। फेक न्यूज़। बॉस का मजा पगार काटूंगा। एक मदुराई बोलता है, दूसरा गोवा बोलता है। अब भाई वो ट्रैवल एजेंट होगा। क्या हुआ? रुको बाबू भाई, मैं डील करता हूँ। अपुन ने सुना कि इस साल तू इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। इलेक्शन में मैं सोऊं, बैठूं, लेटूं, तुझे क्या तकलीफ है? हम लोग सोच रहे हैं कि खड़े होने से पहले तुझे बिठा दे। हमारे पास तेरी एक नंगी पुंगी फोटो है। मम्मी बचा। तो तूने उस दिन जंगल में मेरी फोटो निकाल ली। उस समय हम नीलाम करेगी। ये बता उस फोटो का क्या करेगी? उस नंगे फोटो को पूरे शहर में चिपका देंगे। अरे मेरे वोट कट जाएंगे। फोटो बैक गिफ्ट टू मी, बदले में जो कीमत बोलोगे मैं दूंगा। 2,000 रुपए। बोलने में शर्म भी नहीं आती है। अरे मैं 2,00,000 दूंगा, वो फोटो मुझे दे दो। अबे चल, फोन रखते ही तेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यहाँ पहुँचने तक वो 2,000 रुपए वायरस की तरह हर मिनट डबल होता जाएगा। भेजे में घुसा। आंध्रा के बॉर्डर पे आ जा, काली माँ के मंदिर के पास मिलूंगी। आंध्रा बॉर्डर? अमाउंट करोड़ों में जाएगा, इतना कैश नहीं है। पूछो ना भाई, कार्ड चलेगा कि नहीं? रॉन्चू। मैडम विजिटिंग कार्ड देता हूँ, घर आके कलेक्ट करो। हेलो। अरे आंध्रा पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा तो लगेगा ना। भी बोल, हल्लू हल्लू जाएंगे तो 4 घंटा। अरे 2,000 मिनट पर के हिसाब से तो घर बेचना पड़ेगा। चल हेलीकॉप्टर मंगा, चल चल। हे उतावली आत्मा, लगता है वो वहाँ नहीं त्रिची में है। ए, कोई जाता है तो उसे टोकते नहीं है। Why this cloth, huh? बाबू भाई फुल तैयारी करके जा रहे हैं। आप भूल गए क्या, लास्ट टाइम आपको नंगा किया था। अबे याद क्यों दिला रहे, गाड़ी निकाल। मैं भी चलूं क्या साथ में? काइको, आपका लकी नंबर 5 है ना। याद दिलाने के लिए ये ले, गाड़ी में लेके बैठ जा। अरे गाड़ी से तेज मेरी राडो की घड़ी चल रही है। एस्केलेटर पे पैर दबा दबा। शक हो जाएगा और असली पुलिस आ जाएगी, हमें बहुत मारेगी। कम ऑन सिपाहियों, सर्च। देखने में तो तुम सिर्फ 2 ही लग रही हो और एक्टिंग तो पूरी फौज की कर रही हो। अबे खजूर, मैं अकेली पूरी फौज हूँ। ये हाथ नहीं हथौड़ा है और इससे मैं घर पे खिल्ला ठोकती हूँ। खाएगा क्या, खाएगा क्या, खाएगा क्या? देखिए ये डर गया। इसको थाने ले चलो। चल घर को सर्च कर रहा है। अरे मैडम ये कोई चर्च नहीं, घर है। सर्च बोला चर्च नहीं। चौथी चार बार फेल। घर के हर दरवाजे को सील कर दो और पूरे घर की तलाशी लो। सारी खिड़कियां भी सील कर दो। अंदर से कोई बाहर और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। पुलिस की इज्जत का सवाल है। आधे सिपाही बेडरूम की तरफ जाओ और आधे सिपाही बाथरूम की तरफ जाओ। इज्जत से बात कर। सॉरी मैडम, जरा उधर नजर डालिए। बाबू भाई का ड्रेस एकदम असली लग रहा है। ये बाबू भाई नहीं है, मुन्नी भाई है। कौन आ रहे तुम लोग? कौन से स्टेशन से? ये क्या नौटंकी है? ए कुछ बोलो, मेरी ननद कुछ पूछ रही है, जवाब दो। क्या ननद? सर सॉरी मैडम, वो बाबू भाई हर महीने इस चंदा को चंदा देते हैं ना, शायद आपको पता नहीं, ये गरीब तो है साथ में पागल भी है। इसके पिताजी पुलिस में थे,
एक गोली लगने के बाद वो मर गए। तब से इस पर पुलिस बनने का भूत सवार है। मेरा बाबा मर गया। हाँ मेरा भी कब का मर गया। ये तो पागल है इसलिए इसने पुलिस का ड्रेस पहना है, लेकिन तू तो पागल नहीं न रहे। अब इंस्पेक्टर की ड्रेस के साथ हवालदार की ड्रेस फ्री में मिल रही थी तो मैंने भी मुफ्त का चंदन घिस लिया। मैडम बाबू भाई का आशीर्वाद मिलेगा। मेरे भाई का हाथ गंदा, उससे मत लो, मैं देती हूँ ना। वाह ए इधर मैडम अपने गर्मा गर्म हाथों से आशीर्वाद दे रही है। आजा आजा मैं देती। आजा पुलिस वाले अम्मा ओ भैंसे जैसे दिख रही है। हाँ पर सिंह नहीं मारेगी। आजा आशीर्वाद दे, चल झुक झुक। भगवान तेरा पागलपन दूर करे। दीदी चुपत चुपत, खाली देखने में बड़ी तेरे से छोटी। बांटी मर गई। अब सर के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकते कोई बात नहीं, पर उनकी फोटो वोटो भी नहीं है। वो टंगा है। अच्छा चल। अरे अच्छा बेचारी लड़की बाप के दुनिया से सटकते ही ये दिमाग से सटक गई। अच्छा इधर 1986 में शादी हुई, दिखने में तो कितना बुढ़ा लगता है। मैडम हम लोग चलते हैं, कभी टाइम मिले तो आइए ना आश्रम पे। आधे कश्मीर के बॉर्डर जाओ, आधे कन्याकुमारी जाओ, बाकी अपने अपने घर जाओ। पहले तू अपने घर चल। बाबा मर गया। निकल नहीं तो तेरे को मारेगी। चलो